मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू टिश्यूज. ओके, दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर. टिश्यूज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. फर्स्ट वन, दैट वन इज एपिथेलियम. सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट वन इज मस्क्यूलर टिश्यू. एंड लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू. ओके, इन आर लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू. क्लियर? सो यू हैव टू रीड ओनली विद योर बुक. आप सिर्फ उसी के अंदर से लें. आपके पास में जितना भी कंप्लीट इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है बुक के अंदर, दैट इज सफिशियंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स. आपको उसी में से पढ़ना है. क्लियर? इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्या क्या है हमारे पास? बेसिकली जो फर्स्ट हमारे पास में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके अंदर आता है विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल बी फाउंड. क्लियर? एपिथेलियल, दैट मीन्स मेनी ऑफ द मॉडिफिकेशंस विल बी फाउंड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन. कहाँ पे मिल रहा है उसकी अकॉर्डिंग जो होती है, लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. क्लियर? अब इसके अंदर हमने अलग अलग सेग्रीगेशंस पढ़ लिए. सेग्रीगेशन का मीनिंग ये नहीं है कि हम डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं. एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेम टाइप. हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, बट लोकेशन के अकॉर्डिंग, पोजिशन के अकॉर्डिंग दे आर मॉडिफाइड इन टू डिफरेंट फॉर्म्स. वो अपने आप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है. क्लियर? तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू. अगेन आई एम गिविंग यू आइडिया अबाउट दिस. एपिथेलियल विच इज रिलेटेड टू एपिडर्मिस. एपिडर्मिस नेम से ही हमें पता लग जाता है, क्योंकि हमने नॉर्मली प्लांट्स में भी इसको डिस्कस किया है और हमने एनिमल्स में भी डिस्कस किया है. क्लियर? एपिडर्मिस, दैट मीन्स दोज आर रिलेटेड टू प्रोटेक्शन वर्क. क्लियर? जो बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्शन वर्क की तरह काम कर रहा है या एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है, दोज आर रिलेटेड टू एपिथेलियल टिश्यू. क्लियर? एपिडर्मिस जो है हमारी बॉडी का आउटर मोस्ट कवरिंग है, विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. ओके, इसके अंदर हमें एपिथेलियल में मैंने आपको बताया था ऑन पेज नंबर 74, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस. द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडीज आर नोन एज एपिथेलियल टिश्यूज. ओके, बट अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, जस्ट लाइक आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्लियर, कॉल्यूमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. दैट मीन्स वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, जस्ट लाइक वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेकिया. अगर ट्रेकिया के अंदर है तो एपिथेलियम ही मिल रही है, बट द मॉडिफिकेशन अब वो उसके अंदर मॉडिफाई हो चुका है. क्लियर? दैट मीन्स हम डायरेक्टली उसे ये नहीं कहेंगे कि वो एपिथेलियम है. क्लियर? तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर की अकॉर्डिंग उनके नेम्स को ध्यान रखना है. ओके, नाउ द सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव, दैट मीन्स दोज आर रिलेटेड टू कनेक्शन. दैट मीन्स आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, रिलेटेड टू जॉइंट्स और टेंडन्स. क्लियर? हमारी बॉडी के अंदर बोन्स वाला जो सिस्टम है, दैट मीन्स आर स्केलेटल सिस्टम. सेकेंड वन इज टेंडन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं. क्लियर? वहाँ पे जो सर्वाइव करेंगे टिश्यूज, वो कौन से टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं. क्लियर? अकॉर्डिंग टू द नेम्स वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट दिस, कि कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं, कनेक्शन करने का काम करेंगे, या हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का वर्कआउट करते हैं. ओके, कनेक्टिव टिश्यूज में भी हमारे पास में नॉर्मली स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट थे. ऑन पेज नंबर 76 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. इसमें हमने एग्जाम्पल्स लिए थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कि कहाँ पे किस टाइप का मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके नेम्स चेंज हो जाएंगे, जस्ट लाइक सेम विद एपिथेलियल टिश्यूज. ओके, नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मस्क्यूलर टिश्यूज. मस्क्यूलर, दैट मीन्स दोज आर रिलेटेड टू मसल्स, जो हमारी बॉडी के मसल से रिलेटेड है. ओके, नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सिंगल बोन ऑफ आवर बॉडी. हम बोन्स की बात नहीं कर रहे हैं. क्लियर? मसल्स जो होती है, ऑब्वियसली इनके अंदर इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी होती है, दैट हैज द मैक्सिमम अमाउंट. क्लियर? इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, मायोसिन है, एक्टिन है, ये क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर एग्जैक्टली जो स्ट्रेचेबिलिटी की जो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, उसका वर्कआउट करने का काम कौन कर रहा है, बेसिकली जो भी हमारी बॉडी में प्रोटीन्स मिल रहे हैं, दोज आर रिलेटेड विद द टेंडेंसी ऑफ मसल्स, जिनके अंदर भी मसल से रिलेटेड होने की प्रॉपर्टी मिल रही है. ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 76 मस्क्यूलर टिश्यूज में हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, जस्ट लाइक टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, स्ट्रेटिफाइड मसल्स, सेकंड वन इज स्मूथ मसल, एंड नेक्स्ट वन इज कार्डियक मसल्स. ओके, स्टेप बाय स्टेप आई एम गिविंग यू द आइडिया अबाउट दीज स्ट्रक्चर्स. ओके, फर्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड मसल्स.
ओके अब जैसे हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मसल्स जो हैं बेसिकली हमारी बॉडी में जितने भी हम ये कहते हैं कि जहाँ भी हमारी बॉडी के अंदर बोन्स का कोई ना कोई रोल है वहाँ पे मसल्स का भी रोल है। ऑब्वियसली बात है बॉडी के अंदर अगर बोन्स प्रेजेंट होती मसल्स नहीं होती तो हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, हमारी बॉडी के अंदर ईजी बेंडिंग हो ही नहीं पाती। क्लियर? तो जो बेंडिंग का सिस्टम है उसको कंप्लीट करने का जो वर्क फंक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है? मसल्स कर रहा है। हमारी बॉडी को जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो स्ट्रेचिबिलिटी हमारी बॉडी के अंदर मिल रही है वो किसकी वजह से है? मसल्स की वजह से। ओके, सो नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, जस्ट लाइक मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी बेंड देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। दैट मीन्स आवर लिम्स, लिम्स की हम जब बात करते हैं नॉर्मली हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट, नॉर्मली जैसे हम एग्जाम्पल्स लेते हैं लेग्स का। क्लियर? अब लेग्स में जो थाइस वाला पोर्शन है वहाँ पे लिम्स का इम्पॉर्टेंट रोल है। बॉडी को अगर स्ट्रेच करना है तो लिम्स वर्कआउट करेंगे, बोन्स वर्कआउट नहीं करती है। बोन्स कभी भी कम्प्लीटली स्ट्रेच नहीं होगी। अब आप ये कहो कि हम यहाँ एल्बो वाला जो हमारा पार्ट है यहाँ से हम हमारे हैंड को ईजिली मूव कर रहे हैं, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द मूवमेंट ऑफ बोन्स, कि हमारी बोन्स की मूवमेंट नहीं है। जो हमारे जॉइंट्स यहाँ पे प्रेजेंट थे उन जॉइंट्स की वजह से वी कैन इजीली मूव आवर हैंड। ओके, सो दीज आर द रोल ऑफ मसल्स। क्लियर? जस्ट लाइक एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल दोज आर रिलेटेड टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम और द सिस्टम ऑफ डाइजेशन। क्लियर? हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि फूड जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो रहा है, बट द मेनली मूवमेंट विच इज ऑलरेडी फाउंड देयर दैट इज पेरिस्टेलाइसिस मूवमेंट। हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली मूवमेंट होता है, दैट मीन्स जैसे ही स्टमक के अंदर फूड पहुँचेगा उसके डाइजेशन के लिए, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक मीडियम मिलता है। एसिडिक मीडियम मिलने का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर वो एसिड मिक्स होगा, जो भी आपने फूड लिया है तो वो मिक्स कैसे होता है? एग्जैक्टली वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ ग्राइंडर, है क्या हमारी बॉडी के अंदर ग्राइंडर? नो, बट वी आर हैविंग टीथ इन आवर बकल कैविटी। हमारी बकल कैविटी में जो टीथ है वो फूड को पहले क्या करते हैं? ग्राइंड करने का काम करते हैं। हम च्विंग करते हैं, च्विंग से क्या होता है? फूड गेट कन्वर्टेड इन टू स्मॉल स्मॉल पीसेस एंड देन मूव इन टू स्टमक। फिर वो कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। जब वो स्टमक में पहुँचेगा, जब उसमें HCl मिक्स होगा, गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स होंगे, तो वो कौन सी मूवमेंट के थ्रू होते हैं? पेरिस्टेलाइसिस। ओके, एंड दीज पेरिस्टेलाइसिस मूवमेंट्स आर अकर्ड बाय द हेल्प ऑफ मसल्स। जो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं वो क्या करवाएंगी? स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करने में और उसको रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। गॉट इट द पॉइंट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मसल्स के रेस्पेक्ट में हमने सेकेंड जो वर्ड लिया है इसके अंदर, दिस इज ऑलरेडी स्मूथ मसल्स। ओके, स्मूथ मसल्स वी आर हैविंग द एग्जाम्पल ऑफ आर ट्रेकिया, दैट मीन्स आर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो बहुत स्मूथ, दैट मीन्स उसके अंदर स्मॉल स्मॉल, जस्ट लाइक आप ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, बट डोंट यूज सेम वर्ड हेयर्स कि हमारे ट्रेकिया के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। नो, क्लियर? तो ये जो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या करते हैं? प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स, प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ फॉरेन बॉडी, दोज आर इम्पॉर्टेंट, दोज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी, उनको प्रिवेंट करने का काम कर रहे हैं। क्लियर? तो वहाँ पे जो मूवमेंट है वो कैसी है? स्मूथ टाइप की, जिसके अंदर किसी भी टाइप का बेरियर ना आए, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। हमारा रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रिक ट्रैक्ट जो है वो डिफरेंशिएट रहे। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज मसल सिस्टम, जो मसल्स को एक तरीके से कंट्रोल करने का काम कर रहा है, हमारी बॉडी में उस तरीके का कोई भी वर्क फंक्शन करवाता है। ओके, लास्ट वन इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक दैट मीन्स अंडरस्टूड बाय द नेम, दिस इज रिलेटेड टू आवर हार्ट, ये हमारे कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड है। अब ऑब्वियस सी बात है अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ सिंगल एलिमेंट, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गेन नहीं है जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला हार्ट वाला सिस्टम चल सकता है, और यहाँ पे स्पेशली हम ये कह रहे हैं कि हार्ट वाली बात है तो यहाँ पे स्पेसिफिक स्मूथनेस चाहिए, ऐसा नहीं है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितना भी कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो हमारी बॉडी में हो रहा है, इफ़ वी आर हैविंग द सिस्टम ऑफ
पैनक्रियाटिक जूसेस, यूरिन या किसी भी टाइप की, किसी भी बॉडी ऑर्गन की बात करें, किसी भी टाइप के सिस्टम की बात करें, तो हमें एक स्पेसिफिक वर्क फंक्शन की बात करनी होती है, स्पेसिफिक सिस्टम की बात करनी होती है. एंड दे ऑल आर हैविंग स्मूथ फंक्शनिंग इन देयर नेचर. ओके, तो कार्डियक मसल्स जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ मिलेंगी, हमारा जो हार्ट वाला सिस्टम है उसके अंदर मिलेंगी. क्लियर. बॉडी के अंदर बेसिकली कार्डियक मसल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये जो हमारा हार्ट है उस हार्ट रेट को, वी डोंट यूज लाइक दिस वर्ड कि इट कैन इजीली कैरी आउट द फंक्शंस, ये इस टाइप का कोई फंक्शन नहीं करेगा जो हार्ट रेट से रिलेटेड है. हार्ट रेट को डाउन करना है या हार्ट रेट को अप करना है, नो, इट इज अकॉर्डिंग टू द ब्लड प्रेशर ऑफ आवर बॉडी. ओके, इंस्टेड ऑफ ब्लड प्रेशर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द फंक्शन. फंक्शन कौन सा है, जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड है. क्लियर. तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, जो मसल्स होती हैं वो हार्ट को क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने का और रिलैक्स करने का फंक्शंस करती हैं. वो सब किसके थ्रू होगा, हमारी बॉडी में जो मसल फाइबर हैं, दीज मसल फाइबर्स आर नोन एज कार्डियक मसल्स. गॉट इट माई पॉइंट, क्लियर. नाउ वी आर टॉक अबाउट द लास्ट वन इज नर्वस टिश्यूज. नर्वस दैट मीन्स दोज आर रिलेटेड विद नर्व्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जितना भी जो सिस्टम है उनके अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इज नर्वस सिस्टम. ये हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, क्योंकि हम इसलिए कहते हैं कि जहाँ भी आपने मसल्स की बात करी, बोन्स की बात करी, स्किन की बात करी, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन की बात करी, उसके अंदर से कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है, दोज आर नॉट हैविंग नर्व्स इन इट, जिसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट नहीं है. सबके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती है. नॉर्मली हम कई बार ये कहते हैं कि किसी का कोई ऐसा मेजर ऑपरेशन होना है, क्लियर, उस ऑपरेशन में हमने ये बोला कि उसके अंदर जो भी इंजेक्ट किया जाना है, बॉडी के अंदर जो इंजेक्शन देना है वो बोन्स के अंदर लगता है. तो बोन्स के अंदर लगने का क्या है, बोन्स के अंदर भी तो कोई पार्ट होगा जिसके थ्रू वो मेडिसिन बॉडी के अंदर पहुँचती है. तो दोज आर द पार्ट विच इज़ रिलेटेड टू आवर नर्वस सिस्टम. बोन्स के अंदर की तरफ भी जो पार्ट है दैट इज नर्व्स. ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी के अंदर जस्ट लाइक एज अ वेव स्ट्रक्चर पूरी बॉडी के अंदर अच्छे से स्प्रेड है. ओके, नर्वस सिस्टम जो होता है इसके अंदर आपकी बुक में पेज नंबर 78 पे आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर दिया हुआ है. आई एम ऑल्सो ड्रॉइंग दिस स्ट्रक्चर. इसके अंदर आपको सिर्फ सिंपल नर्व का स्ट्रक्चर लेना है और इसी के थ्रू आपको नर्वस सिस्टम को पढ़ना है. क्लियर. इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो बेसिकली नेमिंग दी हुई है ये इम्पोर्टेंट है आपको. क्लियर. आप देखो इस स्ट्रक्चर को, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारे पास, हमें क्या करना है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस हर कंडीशन में करनी है आपको, डायग्राम बनाना. क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये हमेशा कंप्लेन करते हैं हमें डायग्राम बनाना नहीं आता. कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं साइंस वालों की ड्राइंग सबसे ख़राब होती है, बट बनाते बनाते अपने आप चेंजेस होने लगेंगे. अपने आप अपने जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद रनिंग में इतना आ जाएगा कि आपसे अच्छा डायग्राम ड्रॉ होने लग जाएगा. क्लियर. सेम वे भी मेरे साथ ही ऐसे ही था मैंने. चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसके बारे में. ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नर्व. नर्व फाइबर के स्ट्रक्चर है हमारे पास में. तो इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है बुक के अंदर, आप अच्छे से देखें. इसमें ये जो स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम, ये इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज एक्सोन. इसको हम क्या कह देते हैं, एक्सोन. लास्ट वाला जो पार्ट है दीज आर नर्व एंडिंग्स. ओके, ये जो लास्ट पार्ट है हमारे पास दिस इज नोन एज नर्व एंडिंग्स. अब किसका क्या फंक्शन है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. दीज आर डेंड्राइट्स. ओके, दिस इज न्यूक्लियस. ओके, दिस वन इज साइटोन सेल बॉडी. दिस इज नोन एज साइटोन ऑन सेल बॉडी. ओके, एंड दीज स्ट्रक्चर, दीज पॉइंट्स इन बिटवीन टू नोड्स दैट इज नोन एज नोड्स ऑफ रेनवियर.
not explained in your book. Okay. So this is the basic structure of nerve. किसका structure draw किया है हमने? Nerve fiber का या nerve का normal structure हमने discuss किया है यहाँ पे. Okay. So we have the structure of neurons या nerve. अच्छा आपको यहाँ पे भी confusion हो सकता है तो हम ऐसा confusion रखेंगे कुछ neurons. अदरवाइज मैंने यहाँ नर्व लिख दिया, एग्जाम में बोल दिया न्यूरॉन तो आप बोलोगे आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो बताया ही नहीं था. ओके, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. ओके, वी हैव टू पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट वन इज नोन एज साइटोन और सेल बॉडी. दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर मेन, जो इसका सबसे मेन कॉम्पोनेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर साइटोन या सेल बॉडी. सेकेंड जो यहाँ पे रोड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, दिस इज नोन एज एक्सॉन, ये इसका सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है. एंड लास्ट वन इज नोन एज नर्व एंडिंग्स. यहाँ पे हमने कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, दीज आर नोन एज नर्व एंडिंग्स. ये जो नर्व एंडिंग्स होती हैं ये क्या काम कर रही हैं, डेंड्राइट्स क्या काम कर रहा है, साइटोन का क्या काम है, हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि किस किस का वर्क फंक्शन क्या क्या है. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. फर्स्ट वन इज डेंड्राइट्स. ओके, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? अब नॉर्मली आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल फॉर दिस. I have already drawn a same structure in respect to this. इसके पास में मैंने देखो एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है. यहाँ पे एक और न्यूरॉन बना के मैं आपको बताती हूँ. Yeah. इस टाइप का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया हमने. ओके, अब इसके जो डेंड्राइट्स हैं, इसके डेंड्राइट सेकेंड वाले साइटोन के इस स्ट्रक्चर के साथ में कॉन्टेक्ट में रहते हैं. That means what is the basic function of dendrites? ये क्या करेगा, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के कॉन्टैक्ट में रहता है. किसके थ्रू रहता है? डेंड्राइट्स के थ्रू रहता है. ओके, तो जो भी नर्व इम्पल्सेज होंगे ना, वो नर्व इम्पल्सेज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में किसके थ्रू होंगे? डेंड्राइट्स के थ्रू होंगे. क्लियर? मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो है साइटोन या सेल बॉडी, जिसके अंदर क्या मिल रहा है, हमें न्यूक्लियस मिल रहा है. न्यूक्लियस इसका मेन कॉम्पोनेंट है, जो कम्प्लीटली जो भी बॉडी के अंदर पूरी रिएक्शन हो रही है, या नर्व को किस तरीके से आगे नर्व एंडिंग्स तक मैसेज पास आउट करना है या किस टाइप का मैसेज फॉरवर्ड किया जाना है, वो सब डिसाइड होगा न्यूक्लियस के थ्रू. क्लियर? तो आगे ये वाला स्ट्रक्चर जो है मैसेज को पास आउट करेगा एक्सॉन के थ्रू. क्लियर? ये एक्सॉन मैसेज को पास करते हुए कहाँ लेके जाता है? नर्व एंडिंग्स के अंदर. ओके, दीज नर्व एंडिंग्स आर हैविंग एसिटाइल कॉलिंग. इनके अंदर हॉर्मोन प्रेजेंट है एसिटाइल कॉलिंग, जिसका मेनली फंक्शन क्या होता है कि जिस भी टाइप का इसके अंदर कोई भी मैसेज बनता है उस मैसेज को दूसरे नर्व फाइबर तक पास करने का काम जो है वो कौन करती है? नर्व एंडिंग्स करती है. तो ये एसिटाइल कॉलिंग क्या करेगा कि बॉडी को किस टाइम पे कैसा एक्शन किया जाना है, नर्व्स के अकॉर्डिंग क्या एक्शन होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा? एसिटाइल कॉलिंग डिसाइड करेगा. ओके, तो ये वाला हो गया. इसके बाद में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो एक्सॉन, एक्सॉन के अंदर ये टू एक्स्ट्रा नेम्स हमने लिखे हैं. फर्स्ट वन इज नोड्स ऑफ रेनवियर एंड सेकंड वन इज माइलिनेटेड शीथ. ये भी आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, सो यू हैव टू आल्सो रीड दिस. ये जो आउटर स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है ना, जस्ट लाइक इट, ये देखो बाहर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूं इसको, आप अच्छे से देखें इसको. ये स्ट्रक्चर है माइलिनेटेड शीथ. ओके, ये माइलिनेटेड शीथ क्या होती है एग्जैक्टली? दिस आर दिस इज हैविंग द प्रोटेक्शन वर्क. ये माइलिनेटेड शीथ जो है नोड ऑफ रेनवियर और एक्सॉन जो होता है उसकी प्रोटेक्शन करने का काम करता है. दैट मींस किसी भी टाइप का कोई आउटर स्ट्रोक है तो उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो काम करेगी माइलिनेटेड शीथ करेगी. नोड्स ऑफ रेनवियर जो है, जो भी इसके अंदर एसिटाइल कॉलिन बनता है उसके कंट्रोल का काम जो है वो नोड्स ऑफ रेनवियर के थ्रू भी होता है. ओके, तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर किसका बन चुका है? एक्सॉन का स्ट्रक्चर बन चुका है, साइटोन का स्ट्रक्चर बन चुका है, और इन द अदर वे वी आर ऑल्सो कैन से दैट मीन्स दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताना है, प्लस आपको उसके साथ में क्या करना है, जितनी भी बॉडी के अंदर नर्व्स की लोकेशन कहाँ पर है आपसे उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई एग्जांपल रिक्वायर्ड है तो वो एग्जांपल आपको देना है, आपको उसकी लोकेशन बतानी है. गॉट इट द पॉइंट? तो ये वाला पॉइंट जो है आपका लास्ट टॉपिक था इसके अकॉर्डिंग नर्वस टिश्यू. क्लियर?
ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है टिश्यूज वाला। आपके पास में इसके लास्ट टॉपिक की पीडीएफ है, ये वाली लास्ट पीडीएफ आपके पास में कल आ जाएगी। क्लियर? ओके, तो कल हम इसके बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे लास्ट, हमारा कौन कौन सा रिमेनिंग पार्ट है। और आपकी बायो की अकॉर्डिंग जो अपन बात करें सिलेबस में, हमारे पास में ये वाला लास्ट टॉपिक था। क्लियर? ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो कल हम ये वाली टॉपिक डिस्कस करने के बाद जो हमारा लास्ट सॉरी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम केमिस्ट्री का टॉपिक लेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, सो बी रेडी विद दैट। थैंक यू।